संविधान में एक मूल अधिकार लाने के लिए हमें सब लोगों को एक संघर्ष करना पड़ेगा, एक लड़ाई करनी पड़ेगी, एक आंदोलन करना पड़ेगा। उसी की एक कड़ी के अंदर कल शनिचरवार 9 फरवरी 2019 को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक जंतर मंतर पर एक धरना रखा है, जिसमें आपको, आपके साथियों को, आपके परिवार के लोगों को और जितने भी लोग उसमें आ सकते हैं उसमें आकर अपना जो है एक तरीके से योगदान दीजिए। ये स्वास्थ्य का अधिकार मूल अधिकार बनाने की क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि आज देश में जो स्वास्थ्य है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट सब्जेक्ट है तो पार्लियामेंट उसके अंदर जो है कानून नहीं बना सकती है, सिर्फ स्टेट बना सकती है। और स्टेट, किसी स्टेट ने भी जो है स्वास्थ्य का अधिकार कब पर कोई कानून नहीं बनाया हुआ। तो जरूरत किस बात की है कि ये जो स्टेट सब्जेक्ट है इसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दूसरा ये कि इसको फंडामेंटल राइट बनाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसके बाद जो है पार्लियामेंट एक नेशनल लॉ बनाए जिसमें सभी राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को एक मैंडेट दिया जा सके कि इतने समय के अंदर आपको जो है फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे राज्यों के अंदर जो है वो क्रिएट करना होगा। आज की स्थिति ऐसी है कि अगर आप और मैं बीमार हो जाते हैं और हमारे पास बहुत रिच नहीं है हम, तो आज कोई बड़ी बीमारी का शिकार होते हैं खासकर, तो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो हम अपना इलाज नहीं करा सकते। बहुत सारे लोग रोजाना इसलिए मर जाते हैं कि उनको उनका जो है वो इलाज नहीं हो पाता, उनके पास पैसे नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि ये एक अगर कानूनी अधिकार हमको मिलता है और कल हमें अगर सरकारी अस्पताल हमारा क्वालिटी ट्रीटमेंट देने से मना करता है, फ्री ट्रीटमेंट देने से मना करता है, आनाकानी करता है, तो हम उसको अदालत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सरकारों को जो है घसीट सकते हैं और कोर्ट के थ्रू उनको कंपेल कर सकते हैं कि वो हमारा ट्रीटमेंट करें। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सब लोग, ये कभी शुरू है, उसके बाद पता नहीं हमको किस किस तरीके से इसको आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप और आपके दोस्त, आपके मिलने वाले रिश्तेदार, जितने लोगों को भी आप बोल सकते हैं, कल के लिए आप बोलिए कि 11 बजे जो है जंतर मंतर में पहुंचे और इस लड़ाई में हम लोगों का सहयोग दें। धन्यवाद।